अपने जिंदगी में किसी भी चीज का अगर फर्स्ट टाइम शुरुआत करेंगे ना, तो थोड़ा आपको डर लगेगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल आएगा। लेकिन वहां पर अगर आप मेहनत कर दिए जमकर 100% फोकस के साथ, तो जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आप सभी को पता है, यहां तक पहुंचने के लिए पहले मुश्किल से लड़ना पड़ेगा। अगर मुश्किल रास्ते में देखकर घबरा गए, तो फिर इसके बारे में सोचना कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, है ना। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और कल आप सभी को शाम को 6 बजे, कल आपको पहला क्लास मिल गया था हमारे चैनल पर मैथ का, आज सेकेंड क्लास है शाम को 6 बजे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा ठीक शाम को 6 बजे। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, जो है सक्सेस की 98, आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे का, SSC का, या फिर बैंक का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर खरीदते हैं ना, तो एक साल तक, आने वाले एक साल तक मान लो हर एग्ज़ाम का कम से कम 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है ना। और आज क्या है, आपका 2 मई है, तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या निकल कर आ रहा है। और क्लास कब चलता है, रोज़ सुबह में 4:30 बजे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, जेम्स बिग्स, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये बताना है वह नासा के कितने नंबर प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे, कितने नंबर। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जिम बैक्स, यह जो है वो नासा के 6ठे नंबर प्रशासक थे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, जेम बिग्स जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस संगठन से जुड़े हुए थे या किन संगठन के प्रशासक थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर बन सकता है, नासा के प्रशासक जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है, क्वेश्चन बहुत कुछ बन सकता है, क्योंकि नासा से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 6ठे नंबर थे, तो आपके माइंड में आ रहा होगा पहला कौन था भैया, तो पहला था आपका T. Keith Glennon, ये थे आपका पहला। और अभी वर्तमान में कौन है, करंट में, तो करंट में जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है उनका नाम है आपका जिम ब्रेंडस्टाइन। और नासा गठन कब हुआ था, 29 जुलाई 1958 को। और नासा का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में समुद्री ड्रिल के दौरान किस देश की नौसेना ने यानी किस देश की नेवी ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का यानी किस देश का नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का जो है वो सफल परीक्षण किया है, किस देश का, तो पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर आपका बी और सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मध्य दूरी के धावक का नाम बताना है जिनके ऊपर ना बैन लगा दिया गया है नाडा के द्वारा। क्यों बैन लगाया गया है भैया, कौन से धावक है वो, तो भारत के ही धावक है। और उन्होंने हालांकि बहुत सारे सिल्वर मेडल जीते हैं, अभी गुवाहाटी में गेम हुआ था वहां पर उन्होंने जीता, सिल्वर मेडल जीता है बहुत जगह, ठीक है, उनके ऊपर बैन लगाया गया है, क्योंकि जो प्रतिबंध था ना पदार्थ जिनको आप ले नहीं सकते, वही उन्होंने ले लिया था और टेस्टिंग में ये चीज प्रूफ हो गई पॉजिटिव, तो उनके ऊपर जो है वो 4 साल का बैन लगा दिया गया है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका जुम्मा खातून, ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ओलंपिक पदक विजेता जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका मैथियस बॉय, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वो किस देश से संबंधित थे, ये आप सभी को बताना है। हालांकि यहां पर आप सभी देख रहे होंगे ओलंपिक पदक विजेता है ये, तो उनका नाम क्या था आपका, मैथियस बॉय। इन्होंने ना 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। तो यह अभी इन्होंने क्या किया है, अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यह किस देश के लिए खेलते थे, तो डेनमार्क के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है
कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम, डेनमार्क का मुद्रा और डेनमार्क का राजधानी, ये तीन चीज आपको डेनमार्क के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है। सिप्री द्वारा जारी न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल फिलहाल में एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है जिन्होंने सैन्य पर खर्चा करने के मामले में तीसरे स्थान पर है? सबसे नंबर वन पर कौन है जो अपने मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है? तो वो है आपका अमेरिका, यूएस नंबर वन पर है। दो पर कौन है? तो दो पर चाइना है। तीन पर अपने भारत का नाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, मान लो ना पूरे धरती पर, अगर मान लो पूरे धरती पर जितने भी कंट्री हैं सबको मिलाकर अगर 100 रुपए खर्चे होते हैं आर्मी के ऊपर, तो 100 में 38 रुपए जो है वो अकेला अमेरिका खर्चा करता है। तो अमेरिका का बजट भी बहुत ज़्यादा है, उनके वहाँ तक पहुँचना तो नामुमकिन है उनके बजट तक, क्योंकि आप देखोगे तो उनका जो बजट है, जो खर्चा करता है वो लोग अपने मिलिट्री के ऊपर, वो $773 बिलियन है। कितना? 773 बिलियन डॉलर, और इंडिया में 7 पॉइंट, यानी 100 गुना आप कंपेयर कर सकते हो, इतना कम, ठीक है। फिर भी इंडिया जो है वो पूरे विश्व भर में तीसरे नंबर पर है, एक पर अमेरिका, दो पर चीन, तीन पर अपना भारत। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय अमेरिकी राजनीतिक का नाम बताना है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ना OECD, इंपॉर्टेंट संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका दूत के रूप में नामित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा। मनीषा सिंह को जो है वो अमेरिका दूत के रूप में नामित किया गया है, कहां पर? OECD में। और एक बात, OECD का हेड कौन है अभी? तो आप बोलेंगे एंगल गुरिया। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 30 सितंबर 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका पेरिस फ्रांस में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने COVID-19 के कारण भारत के साथ मिलकर बहुपक्षीय वायु युद्धक परीक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या दिया गया, पीच ब्लैक, जो है उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये जो अभ्यास होने वाला था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला था, जिसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। और एक बात, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आपका कैनबरा होगा, करेंसी जो होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहां पर PM जो होगा वो स्कॉट मॉरिसन होगा, और ये पोस्टपोन्ड नहीं किया गया, कैंसल्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एजेंसी जो है वो अपना डाटा रिलीज कर रही है GDP को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है COVID-19 के वजह से अभी कितना गिरावट आ गया है सभी कंट्री के अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो क्रिसिल के अनुसार अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उनके अनुसार भारत की वित्त वर्ष कितना 2021 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने वाली है, जो पहले अनुमान कितना लगाया गया था, पहले अनुमान लगाया गया था 3.5%, अब इसके जगह पर कितना अनुमान लगाया गया, तो इसके जगह पर अनुमान लगाया गया है आपका 1.8%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी, मैंने आपको कल ही समझाया था प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, परसों समझाया था कि यहां पर क्या होता है, मान लो 100 लोग अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है, बीमार है, अगर उसमें कुछ लोग हल्की फुल्की दवाई देकर ठीक हो जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर से थोड़ा ब्लड लेकर उनके अंदर दिया जा सके जो अभी भी संक्रमित है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो ऐसे ठीक हो रहे हैं, तो यही है आपका प्लाज्मा थेरेपी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मई का, इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, और शाम को 6 बजे मिलेंगे सेकेंड क्लास के साथ। सो आप सभी जो भी मेरे भाई बहन हैं, कृपया कर नोट्स बनाते रहो आप सभी,
ठीक है ना। सो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना। चलिए।